पिथौरागढ़ के भटेड़ी गांव में अब मांगलिक कार्यों में शराब पीने पिलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लग चुका है। गांव के लोगों ने भूमिया मंदिर में शपथ लेते हुए शराब बेचने व पिलाने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। गांव के लोगों ने शराब बेच रहे एक दुकानदार के यहाँ रखी 6 बोतल शराब को भी नष्ट कर दिया है। पशुपालन विभाग ने नेपाल सीमा से लगे हल्दू भौरिया और सौरिया में 150 पशुओं को लगाया लंपी वायरस का टीका। मुनाकोट पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत ने बताया अभी तक ब्लॉक में 5376 पशुओं को लगाए गए टीके। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ जिले से मोहित चंद, साहिल सोन, लवकुश कुमार, अभिषेक धामी और दिव्यम वर्मा का हुआ सिलेक्शन। 10 जून को होने वाली प्रतियोगिता में आज खिलाड़ी हुए रवाना। केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में आज G20 चतुर्थ भागीदारी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के बीच चित्रकला, साक्षरता कहानी, लेखन विवाद व सेमिनार रैली का आयोजन हुआ। प्रभारी प्रधानाचार्य संजय कोठियाल व वरिष्ठ शिक्षक अशोक कुमार ओझा के निर्देशन में हुई रंगोली प्रतियोगिता में गौरी रावत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पुलिस द्वारा वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बलवाकोट के थाना प्रभारी मीनाक्षी देव ने 60 आबकारी अधिनियम के तहत वारंटी अभियुक्त दीवान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। भाजपा द्वारा देश में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल पहुंचे सीमांत के धुरचू गांव। वहां नवनिर्मित पंचायत भवन व धुरचू के कुनकू मोटर मार्ग का उद्घाटन करते हुए बताई केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां। जिलाधिकारी रीना जोशी ने नगर से लगे थरकोट गांव में आज 35 मत्स्य तालाबों का निरीक्षण कर उनमें विभिन्न प्रजातियों के मछली के बीज डाले। बताते चलें, डीएम ने इन तालाबों के निर्माण हेतु अनटाइड फंड से 20 लाख रुपए की धनराशि मत्स्य विभाग को दी थी। आयुर्वेदिक चिकित्सालय वड्डा में तैनात योग प्रशिक्षक अनिल चंद ने आज GIC कुमडार में योग व मर्म चिकित्सा शिविर में बच्चों को योग की बारीकियों को बताया। वहां डॉक्टर उषा रायपा जंगपांगी ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाइयां वितरित की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कन्या इंटर कॉलेज भाटकोट, दयासागर, GGIC व विवेकानंद विद्या मंदिर में स्वच्छता अभियान चला। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव के निर्देश पर बच्चों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में आज नंदी महिंद्रा प्राइड क्लासरूम में चल रही कौशल विकास कक्षाओं का शुभारंभ प्राचार्य पुष्कर सिंह बिष्ट ने किया। वहां विशेषज्ञों ने बॉडी लैंग्वेज और व्यक्तित्व विकास की जानकारी दी। SSB 55वीं वाहिनी पिथौरागढ़ की ओर से 16 युवाओं ने एकता व अखंडता की भावना को विकसित करने के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उप कमांडेंट प्रशांत कुमार मिश्रा ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। LSM महाविद्यालय पिथौरागढ़ में आयोजित बास्केटबॉल मैच में भड़कटिया और कॉलेज की बी टीम विजेता रही। मैच में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार बबीता को दिया गया। बेरीनाग में आयोजित स्पर्श मेले में बरेली से आए कर्नल विनोद कुमार और जिला सैनिक अधिकारी कर्नल चंद बहादुर पुन ने 266 पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं, विधवा माताओं व उनके आश्रितों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मेले में समस्याओं का समाधान करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए। टनकपुर में सांड के हमले में वार्ड नंबर 9 घसियारी मंडी निवासी 30 वर्षीय दिव्यांग राजेश घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत टनकपुर के अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने बताया उसकी हालत सामान्य है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात कांस्टेबल प्रदीप कुमार और गोविंद सिंह नेगी को मीडिया सेल के कार्यों को सही से करने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सम्मानित किया है। इस मौके पर SP लोकेश्वर सिंह ने दोनों को प्रशस्ति पत्र और 5,000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्य में लंबे समय से गायब शिक्षकों के खिलाफ अब सरकार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्थान पर शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 78.80 लाख के बजट का अनुमोदन किया गया।
डीएम रीना जोशी ने स्कूली बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए। जोहार डॉक्टर एसोसिएशन का दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला आज मुंशियारी में शुरू हुआ। पहले दिन 250 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाई वितरित की गई। शिविर के लिए देश के विभिन्न जिलों में कार्यरत चिकित्सक मुंशियारी पहुंचे। पुलिस एएनटी और निर्मल दर्शन नशा मुक्ति केंद्र हल्द्वानी की टीम ने आज आईआईटी टनकपुर में जागरूकता कार्यक्रम किया। वहां युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताने के साथ ही करियर काउंसलिंग कर उन्हें टिप्स दिए गए। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में दूरस्थ क्षेत्र तामली में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ठेकेदारों ने बीएडीपी योजना के टेंडर बाहरी समाचार पत्रों में लगाए जाने की शिकायत रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को दिए जांच के निर्देश। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में विस्तार से पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।